गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11th लेवल 3 आईटीआई जिसमें यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ डाटा एंड कंप्यूटिंग के अंदर सेशन नंबर 2 डाटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाटा फाइल फॉर्मेट्स। जो अलग अलग तरह के हमारे डाटा फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में प्रयोग किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फॉर डाटा फाइल्स आर डॉक्यूमेंट फाइल। जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले जो डाटा फाइल्स होती हैं हमारी, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। हर फाइल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। मोस्टली जो डाटा फाइल्स होती हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में हमारी सेव होती हैं। द बायोमेट्रिक डाटा इज स्टोर्ड इन डॉट XML फाइल फॉर्मेट फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। और जो बायोमेट्रिक डाटा, जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग करके जिस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, वो हमारी डॉट XML फॉर्मेट में, डॉट XML फाइल फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम में सेव की जाती हैं। द मोस्ट कॉमनली फाइल फॉर्मेट्स आर गिवन बिलो। अब नीचे कुछ दिए हुए हैं फाइल फॉर्मेट्स जो मुख्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले आपका डॉक, DOC डॉक। डॉक फाइल इज अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा जो फाइल क्रिएट की जाती है, उस फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो डॉक फाइल के फॉर्मेट में होता है। डॉक फाइल के फॉर्मेट में उस फाइल को सेव किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल बनाई जाती है। इसमें जो फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। उसमें टेक्स्ट फॉर्म में डॉक फाइल हम बना सकते हैं। इमेजेस भी इसमें सेव कर सकते हैं डॉक फाइल के रूप में। टेबल बना सकते हैं, ग्राफ इसमें बनाए जा सकते हैं, चार्ट बनाए जा सकते हैं। पेज की फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब पेज को अगर हमें सजाना हो, उसमें स्टाइल, साइज, फॉन्ट फेस वगैरह इसमें प्रयोग करके पेज की फॉर्मेटिंग करके हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। प्रिंट के सेटिंग भी हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका डॉक एक्स। शुरू में जो ओल्डर वर्जन जो फाइल्स होती हैं हमारी, ओल्डर वर्जन जो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसमें डॉक नाम से, डॉक एक्सटेंशन नाम से आपकी फाइल सेव होती है। उसके बाद डॉक एक्स आया। जो डॉक एक्स फाइल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ओपन XML फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से जो डॉक एक्स फाइल्स आपकी बनाई जाने लगी, जिसको हम XML फॉर्मेट में भी हम ओपन कर सकते हैं। इन एडिशन टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट इट कंटेन्स इमेजेस। इसमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अलावा इसमें इमेजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, और अदर जो डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ODT। ODT क्या होता है? ODT फाइल इज ए ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ODT मीन्स ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये किसने क्रिएट किया है? अपाचे ओपन ऑफिस। जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वैसे ओपन ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसने ODT फाइल फॉर्मेट तैयार किया है। और लिब्रे ऑफिस में भी जो हम फाइल बनाते हैं, उसका जो फाइल फॉर्मेट रहता है हमारा, ODT फॉर्म में होता है। एक्सटेंशन भी ODT रहती है, जिससे फाइल की टाइप का पता रहता है, किस टाइप की फाइल है, किस एनवायरमेंट में इसको बनाया गया है। इट कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स में हम क्या क्या बना सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इमेजेस हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल हम डॉक्यूमेंट के, जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो टाइप मैटर टाइप किया था उसके अलग अलग स्टाइल में उसको हम सेव कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका RTF। RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF फाइल जैसे हम विनवर्ड, इसमें जो वर्ड पैड होता है हमारा, वर्ड पैड जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, जो विंडो 7 या विंडो 8 के साथ जो इंस्टॉल करते हैं उसके साथ इनबिल्ट आता है, तो उसका जो फाइल का फॉर्मेट रहता है RTF फाइल फॉर्मेट होता है। इसमें अलग अलग टाइप के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहती है, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अलग अलग फॉन्ट होते हैं इसमें, अलग अलग फॉन्ट के साइज होते हैं, और टैब की सेटिंग भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है, इमेजेस भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका TXT। TXT फाइल स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब ज़्यादा फॉर्मेटिंग इसमें नहीं कर सकते हम, सिंपल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट का फाइल हम बना सकते हैं TXT फॉर्मेट के अंदर, और इसको हम ओपन करते हैं। जो TXT फॉर्मेट की जो फाइलें बनाई जाती हैं वो नोटपैड के अंदर बनाई जाती हैं, GE एडिट के अंदर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका BMP फॉर्मेट। BMP फॉर्मेट वाली जो फाइल है वो किसके अंदर बनाई जाती है? पेन ब्रश के अंदर बनाते हैं।
पेंट ब्रश जो फिर तो उसके अंदर बनाया जाता है। बीएमपी फाइल इज अनकंप्रेस्ड रास्टर इमेज विद रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। इसमें रेक्टेंगुलर पिक्सल ग्रिड फॉर्म में उसको शो करके भी हम इमेज उसमें बना सकते हैं। अनकंप्रेस्ड रास्टर इमेज होती है इसमें। फाइल हेडर होता है, बिट मैप पिक्सल्स होता है, अलग अलग कलर्स में उसको डिज़ाइन करके बना सकते हैं बिट मैप फाइल। जी आई फाइल इज एन इमेज फाइल यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। वेब ग्राफिक्स के लिए जी आई एफ फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अप टू 256 इंडेक्स कलर। इसमें 256 कलर प्रयोग किए जाते हैं और कलर प्लेट का प्रयोग करके डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। जी आई फाइल्स आर सेव्ड इन ए लॉसलेस फॉर्मेट। लॉसलेस फॉर्मेट की क्लियरिटी नॉट कॉम्प्रोमाइज विद कंप्रेशन, मतलब इसकी क्लियरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। इसको हम ये कंप्रेस करने पे इसकी क्लियरिटी खत्म हो जाती है। जो जेपीजी फाइल है आपकी, जेपीजी फाइल इज इमेज सेव्ड इन कंप्रेस्ड इमेज एंड बाय जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल फॉर्मेट होता है। जो जैसे डिजिटल फोटो जो होती है हमारी, उसको अगर हमें शो करना है अपनी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए जेपीजी फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है फोटोज़ वगैरह के लिए। पीएनजी, पीएनजी से पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। इट कंटेन्स बिट मैप ऑफ इंडेक्स कलर्स एंड यूज लॉसलेस कंप्रेशन सिमिलर टू जीएफ फाइल। जीएफ फाइल की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ कॉपीराइट लिमिटेशंस होते हैं। पीएनजी फाइल्स आर कॉमनली यूज फॉर स्टोर ग्राफिक्स फॉर वेब इमेजेस। जो वेब इमेजेस होती हैं हमारे वेबसाइट में, जो इमेजेस होती हैं उनके लिए पीएनजी फाइल्स, पीएनजी टाइप की फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएचडी। पीएचडी फाइल इज एन इमेज फाइल गेटेड बाय अडोब फोटोशॉप। जो अडोब फोटोशॉप के अंदर जो हम जिस तरह की फोटो एडिट करते हैं, तो जो फाइल्स अडोब फोटोशॉप के अंदर बनाई जाती हैं वो पीएचडी फाइल फॉर्मेट वाली फाइल्स होती हैं। उसमें उसमें इमेज के अलग अलग लेयर्स पे काम किया जाता है। मास्क वगैरह एनोटेशन वगैरह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीवर्ड्स वगैरह। नेक्स्ट है आपका जीआईएफ। जीएफ का हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है आपका टिफ। ए टिफ फाइल इज ए ग्राफिक कंटेनर डैट स्टोर रास्टर इमेजेस। इसमें भी रास्टर इमेजेस आपकी स्टोर की आती है टिफ फाइल के अंदर। इसमें हाई क्वालिटी जो ग्राफिक्स होती है टिफ फाइल सपोर्ट करती हैं। इसमें 1 to 24 bit, इसमें भी काफ़ी क्लियर इमेजेस रहती हैं, और उसमें मल्टीपल लेयर्स पे अगर हमने काम करना, इमेज की मल्टीपल लेयर्स पे काम करना हो, तो वो टिफ फाइल फॉर्मेट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका ईपीएस फाइल। ईपीएस फाइल इज ए ग्राफिक फाइल सेव्ड इन एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट। एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट होता है। इसमें 2D वेक्टर ग्राफिक्स वाली इमेज इसके अंदर बनाई जाती हैं, बिट में इमेजेस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका एसवीजी। एसवीजी फाइल इज ए ग्राफिक फाइल डेट यूज टू डायमेंशनल। इसमें 2 डायमेंशनल वैक्टर ग्राफिक फाइल फॉर इट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा, जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम द्वारा जो जिस तरह की फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया था, वो एसवीजी फाइल्स होती हैं आपकी, अलग जो वेबसाइट में प्रयोग की जाती हैं। पीडीएफ फाइल्स। पीडीएफ फॉर्मेट इज कॉमनली यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का हमें डॉक्यूमेंट कोई सेव करना है, उसको पब्लिकेशन के लिए प्रयोग करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इसको अगर हमने यूज़ करना है, ओपन करवाना है, तो उसके लिए पीडीएफ फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मीट। मीट इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस वाला फाइल फॉर्मेट होता है। ये म्यूजिक के लिए, म्यूजिक में इस तरह के फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है मिक्सिंग वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है आपका MP3। MP3 फाइल फॉर्मेट जो होता है एक तरह का कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल होता है, जो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा इसको बनाया गया है। ये इस तरह का फाइल फॉर्मेट एक तरह से ऑडियो फाइल को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीडी में अगर हमने स्टोर करना है ऑडियो फाइल्स को, तो इस तरह के फॉर्मेट में सेव किया जाएगा। वेब वेब फाइल जो ऑडियो फाइल, वेब फाइल भी ऑडियो फाइल होती हैं। मैं डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका AVI फाइल। AVI फाइल भी जो वीडियो फाइल होती है, जो ऑडियो वीडियो, अगर आपने ऑडियो वीडियो फाइल फॉर्मेट में अगर आपने कोई सेव करना, कुछ सेव करना है, तो AVI फॉर्मेट के अंदर आप सेव करोगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको बनाया गया है। और नेक्स्ट है आपका FLV। FLV फाइल भी आपका फ्लैश कंपैटिबल, जो फ्लैश
टाइप की जो आपने फाइलें बनानी है, फ्लैश कंपैटिबल वीडियो फाइल आपने बनानी है, तो वो FLV फाइल फॉर्मेट की फाइल्स होती है। नेक्स्ट आपका MPG, MPG होती है कॉमन वीडियो फाइल्स होती हैं। अगर आपने डिजिटल वीडियो वाली फाइल क्रिएट करनी है तो वो MPG द्वारा बनाई जाती है। फिर आपका SWF, फिर आपका SWF फाइल जो होती है एनिमेटेड गेटेड वे डो फ्लैश, और डो फ्लैश के अंदर जिस टाइप की फाइल्स बनाई जाती हैं तो SWF फॉर्मेट वाली फाइल बनाती हैं। इसके अंदर आपके टेक्स्ट होता है, वेक्टर होता है, रास्टर ग्राफिक्स होती हैं, एक्शन स्क्रिप्ट होता है, DB जो DB फाइल्स होती हैं और डाटाबेस फाइल होती हैं। अगर आपने मोबाइल डिवाइसेस में इस तरह की फाइल्स, अगर आपने मोबाइल डिवाइसेस में डाटाबेस मेंटेन करना है, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन में हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर डाटाबेस वाली फाइल अगर आपने सेव करनी है तो DB फॉर्मेट में सेव करेंगे। और एक तरह के SQL लाइट डाटाबेस फाइल फॉर्मेट होता है, उसको लॉक भी किया सकता है, एनक्रिप्ट भी किया सकता है। MDB, MDB माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस फाइल होती है, इसमें टेबल्स हम बना सकते हैं, इसमें फॉर्म क्रिएट किया सकते हैं, क्वेरी बनाई जा सकती है, प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और डाटाबेस की सिक्योरिटी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका SQL, SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। अगर आपने डाटाबेस में से एक क्वेरी करके कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है या उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है क्वेरी का प्रयोग करके, तो SQL फाइल फॉर्मेट के द्वारा ही कर सकते हैं, डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाटा में चेंजेस ला सकते हैं। HTML फाइल फॉर्मेट अगर हमें वेब पेज वगैरह बनाना है तो वेब पेज बनाने के लिए HTML फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। और वेबसाइट में जो काफ़ी सारे वेब पेजेस, HTML बेसिकली जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, बाकी अदर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं लेकिन बेसिकली HTML का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका CSS, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। अगर आपने फॉर्मेटिंग करना है वेब पेज के कंटेंट फॉर्मेटिंग करना है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग किया जाता है। जब अपने टेक्स्ट का साइज, कलर, फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, ऑरिएंटेशन, बॉर्डर वगैरह देना है। PHP, PHP क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेस कोड, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें फंक्शंस फंक्शंस वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जो फॉर्म क्रिएट करने हैं वेबसाइट के अंदर, ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करने हैं वेब पेज के ऊपर, तो PHP लैंग्वेज प्रयोग करके कर सकते हैं। उसमें डेट टाइम वगैरह हम मेंशन दे सकते हैं, और PHP लैंग्वेज का प्रयोग वेबसाइट के द्वारा, वेब पेज के अंदर यूज़र द्वारा जो फॉर्म फिल किया जाता है उसका डाटा एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फ्रंट एंड प्रयोग करते हैं, JSP, JSP भी आपकी सर्वर जनरेटेड वेब पेज होती है, भी वेब सर्वर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी HTML जनरेट करती है। और जो यूजर कंप्यूटर पे जो हम ओपन करते हैं जावा सर्वर पेजेस, वो HTML फॉर्म में ओपन होते हैं बेसिकली, जो बैक एंड पे JSP लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है। XHTML फाइल इज ए वेब पेज रिटन, XHTML वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। एक तरह HTML4, XML1 एप्लीकेशन होती है, इसमें स्टैंडर्ड HTML टैग और स्ट्रिक्ट XML गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाता है।